हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कभी कभी तो मुझे लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा वेला हूँ मैं। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से संडे है, ऊपर से मैंने 5:30 का अलार्म लगाया है। मतलब क्यों? और ये बाल भी मुझे लग रहा पता नहीं कभी और कैसे कटेंगे। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी बॉडी वेट अपर बॉडी वर्कआउट की, आज मैं बात करूंगा बॉडी वेट लोअर बॉडी वर्कआउट की। जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही कॉमन है, मतलब आप आराम से उन्हें कर सकते हो, बट जो मैं टिप्स दूंगा वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, वो मेन है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। सो गाइस, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है आँख में क्या बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, अगर आपको प्रॉपर फॉर्म नहीं पता स्क्वाट्स की तो वो वीडियो आप देख सकते हो, द लिंक विल अपीयर हियर। स्क्वाट्स में हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें जो अपने लेग स्टांस है उसकी, वो हमें वेरी करने है। कभी हमें बहुत क्लोज रखना है, थोड़ा सा वाइड रखना है, बहुत वाइड रखना है, क्योंकि जो हमारी स्क्वाट, ये क्वाड मसल है ना, ये एक मसल नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ मसल। सो हमें अलग अलग मसल को टारगेट करने के लिए जो हमारा लेग स्टांस है उसकी जो चौड़ाई है वो वेरी करनी है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल स्क्वाट से। दिस इज माई नॉर्मल स्टांस, राइट? होप आई मीन फ्रेम। देखो, अब ये तो थे नॉर्मल स्क्वाट, अब दूसरे में मैं करूँगा, मैं थोड़ा सा ना क्लोज रखूँगा अपने लेग ऐसे पैर पर, ताकि जो मेरे स्क्वाट्स हैं आगे को वो ज़्यादा एंगेज हो। और जो तीसरा वेरिएशन है उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं एकदम वाइड रखता हूँ, जैसे हम सुमो स्क्वाट करते हैं, राइट? क्योंकि ये बॉडी वेट वर्कआउट है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ही कम है, तो हमें इन्हीं चीज़ों से काम चलाना है। और एक और टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मैं जब ऊपर को आ रहा हूँ ना, मैं पूरा ऊपर नहीं आ रहा हूँ, तो मैं बीच में ही लॉक करके फिर नीचे जा रहा हूँ। तो देखिए ऐसे, ओके, सो मैं यहाँ पर रुक के, मैं पूरा सीधे नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही रुक के फिर नीचे जा रहा हूँ। तो इससे हो क्या रहा है, इससे एक कॉन्स्टेंट टेंशन बना है मेरी मसल्स में। सो लास्ट चीज़ हमें क्या करनी है, जब मेरे रेप्स पूरे कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके बाद मुझे ऐसे होल्ड करके रखना है, लाइक दिस। ओके, सो जो होल्ड ऐसे नहीं रखना है कि आप ऐसे खड़े हो गए या ऐसे हो गए, आपको जो ये थाई है ये पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी चेस्ट आउट होनी चाहिए, एंड होल्ड इट लाइक दिस। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है हमारी लंजेस। एक तो है होता है नॉर्मल लंजेस, राइट? तो लाइक दिस, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल लंजेस नहीं करेंगे, हम एक दूसरा वेरिएशन करेंगे लंजेस का जो काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक आई विल डू इट हियर। थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, लेकिन अगर आपके घर में सोफ़ा है या फिर कुछ ऐसी दूसरी चीज़ें बैठे हैं जो थोड़ा नीचे है, तो आप इसे ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो ये ऐसे, अगर मैं अंदर होता हूँ घर में तो मैं सोफ़ा यूज़ करता हूँ। ओके, सो आई विल कीप इट लाइक दिस। ओके, ये पाँव बहुत पीछे नहीं रखना है, थोड़ा आगे रखना है। इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पूरा ऊपर नहीं आना है, यहाँ पर से यू गो कर लो। ओके, लाइक दिस, बट आई फील अ गुड स्ट्रेच इन माई ग्लूट्स इफ आई डू लाइक दिस। अगर आपसे लंजेस प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, आप डिसबैलेंस हो रहे हो करने में, तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो। सो जस्ट इसका सपोर्ट लेना है, इस पर पूरा लीन नहीं होना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है पिस्टल स्क्वाट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे नॉर्मल पिस्टल स्क्वाट नहीं हो रहे हैं तो आप असिस्टेड पिस्टल स्क्वाट्स कैसे कर सकते हो। अगर आपसे नॉर्मल पिस्टल स्क्वाट नहीं हो रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका सपोर्ट ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं पाँव रखा, बट यहाँ पे ध्यान रखो कि आप इसका बस जितना कम से कम हल्के से हल्का सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी मसल्स इंगेज होंगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब देखिए, अगर मैं, मेरे से नहीं हो रहा है और मैंने ये पकड़ लिया पूरा ही, और इसी से उठ रहा हूँ,
सो कोई फ़ायदा नहीं उतना। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी वो है ग्लूट्स ब्रेज। तो आई होप यहाँ पे ज़्यादा धंधा नहीं है। कम अप, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, देन कम डाउन। पाँव बहुत क्लोज नहीं रखने हैं आपको, थोड़ा सा गैप बनाइए यहाँ पे, एंड देन लिफ्ट। दो एक्सरसाइज की और अभी इस बीच से मेरा पसीना देखो। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी वो है काफ रेज। तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है स्टेयर्स। ओके, सो मैं अच्छे बैलेंस के लिए मैं अपने शूज़ उतार लूँगा। पहला आप इसे दोनों लेग से कर सकते हैं। और दूसरा ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप सिंगल लेग काफ रेज भी कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा आप अगर आप ये एक्सरसाइजेस खुद ट्राई करेंगे। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, और बाय बाय।